मंदसौर दौरे पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का हुआ दलोदा प्रगति चौराहे पर स्वागत सम्मान कार्यकर्ताओं ने किया। मंदसौर के खकराई में जहरीली शराब मामले में कांग्रेस पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पीड़ित परिजनों से मिलने एवं श्रद्धांजलि करने पहुंचे। इस दौरान दलोदा ग्राम पंचायत सरपंच विपिन जैन एवं धुंधड़का ब्लॉक अध्यक्ष किशोर गोयल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रगति चौराहे पर पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश युवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा कि भाजपा सरकार में शराब माफियाओं का राज है और मिली भगत से प्रदेश जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं। शुक्रवार 11:50 पर बताया। जो जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे सूत्रों से मिली है, दर्दनाक घटना है। जहरीली पहले तो लोग कोरोना से मर गए, अब सरकार की मिली भगत से ये शराब माफिया जहरीली शराब बना के लोग को मौत के मुंह में झोंक रहे हैं और शिवराज चौहान जैसा झूठा मुख्यमंत्री, तमाम भाजन हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। क्या नया कानून बना देगा भैया? धारा तो वही लगेंगी, मैं कड़े से कड़ा इनको दंड दिलाऊंगा। तुम मिली भगत से बीजेपी के नेताओं के शराब माफिया सक्रिय है पूरे प्रदेश में। इंदौर में मर गए, उज्जैन में मर गए, मुरैना मर गए, शाजापुर मर गए, मंत्र कौन सा जिला बचा है जहाँ शराब माफिया सक्रिय नहीं? ये झूठा मुख्यमंत्री मिला इस प्रदेश को। और तो और जिस जगह ये घटना हुई, इस प्रदेश के आबकारी मंत्री का विधानसभा है। अब जब आबकारी मंत्री की नाक के नीचे ये हो रहा है तो पूरे प्रदेश के क्या हाल होंगे? वहाँ हम जाके पीड़ित परिवार से मिल के क्या अगला कदम कांग्रेस का होगा वो तय करेंगे। परिजनों को राहत साहित्य वगैरह नहीं, वो वहाँ जाके फिर रिपोर्ट कमलनाथ जी को देंगे, उसके बाद वहाँ से तय होगा।